नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो वित्त रहित शिक्षकों के मामले को लेकर आज बिहार विधान परिषद में बड़ी बैठक चल रही थी और तमाम जितने भी MLCs हैं वो इस बैठक में शामिल थे। इस वक्त कांग्रेस के MLC बात करने के लिए हमारे साथ मदन मोहन झा। सर, आज बड़ी बैठक हुई, क्या कुछ उसमें बातें हुई, क्या कुछ चर्चा हुई? शिक्षक लोग का समस्या बहुत दिन से लंबित है, चाहे अनुदान का मामला हो, चाहे कॉलेज को अच्छी जो था माने संबद्धता उसको रद्द करने की बात हो, चाहे गेस्ट शिक्षक की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट स्कूल का बात हो, मदरसा और संस्कृत स्कूल का बात हो, सब पर विस्तार पूर्वक बातचीत हुई। और मैं समझता हूँ जो इससे पहले भी कई बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में काफ़ी मजबूती से बात रखी गई और मैं समझता हूँ सबसे असरदार बैठक। और जिस तरह से माननीय मंत्री ने अपना सकारात्मक रुख दिखाया, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और मुझे पूरा उम्मीद है जो एक महीना में उसका फलाफल देखने को मिलेगा। तमाम जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं जहां पर वितरहित शिक्षक काम करें, पिछले दिनों आपके आवास पर भी वो बैठकर धरना दे रहे थे। उन लोग का मेन था 8 साल का वेतन, उन लोग का अनुदान लंबित है और कई समस्याएं सभी पर विस्तार। जहां तक अनुदान का सवाल है, माननीय मंत्री ने कहा कि एक महीना में इसका हम निराकरण कर देंगे और हम मुझे उम्मीद है जो जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर मदन मोहन झा कांग्रेस के MLC और उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन रितिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।